क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पीसेस ऑफ पेपर फ्लाई अवे फ्रॉम इलेक्ट्रीफाइड रॉड। तो इलेक्ट्रीफाइड रॉड का मतलब है कि ऐसा रॉड जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, ठीक है। अब जब वो रॉड पीसेस ऑफ पेपर के करीब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता है कि पीसेस ऑफ पेपर पर जो नियर एंड्स होंगे उन पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, फार एंड्स पर सिमिलर चार्ज, क्योंकि चार्ज रॉड पर है वो चार्ज फार एंड पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर ये अनलाइक चार्जेस बन जाएंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो पीसेस ऑफ पेपर इलेक्ट्रीफाइड रॉड के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रीफाइड रॉड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस इस साइड पर मूव करेंगे, पीसेस ऑफ पेपर पर मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही पीसेस ऑफ पेपर पर मूव करेंगे तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ना, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से पीसेज ऑफ पेपर उस रॉड से दोबारा वापस गिर जाएंगे, ठीक है। अब इसी को मैंने इधर लिखा है, द पार्ट ऑफ द पीसेज ऑफ पेपर विद पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रीफाइड रॉड दैट हैज एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यही चीज इधर बताइए आपको। उसके बाद मैंने कहा है एज पेपर टचेस, जैसे ही पेपर इसको टच करेगा रॉड पर जाएंगे क्या होगा, सम चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रीफाइड रॉड इज ट्रांसफर्ड, कुछ चार्ज जो है इलेक्ट्रीफाइड रॉड से पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और लाइक चार्जेस, बिकॉज देयर चार्जेस आर लाइक, सो द पेपर इज देन रिपेल्ड, इसलिए पेपर पीसेज ऑफ पेपर रिपेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। स्टूडेंट्स 13.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप पर 7.5 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, तो उससे कितना नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इफ इलेक्ट्रोस्कोप है 7.5 × 10⁻¹⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज, देन इट मीन 7.5 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर हम रिमूव करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे पीछे उतना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज की क्वांटिटी इक्वल रहेगी लेकिन अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, इसलिए अगर 7.5 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब उससे नेगेटिव चार्ज इतना रिमूव हुआ है, ठीक है। 7.5 × 10⁻¹⁹ कूलम नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड। शॉर्ट क्वेश्चन है 13.3, इसमें कहते हैं इन व्हाट डायरेक्शन विल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज है उसे हमने फील्ड के दरमियान में रखा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमें ये बताना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फील्ड है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, हमें मालूम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, अब इसकी डायरेक्शन किस साइड पर होगी, इस साइड पर इसने मूव करना है या इस साइड पर, तो इस साइड पर तो ये मूव कर नहीं सकता क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, जो फील्ड की डायरेक्शन है ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाई पोटेंशियल, जहाँ लो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जी शॉर्ट क्वेश्चन 13.4 है, इसमें कह रहे हैं डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा था कि हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, तो हमने लिखना है यस ईच कैपेसिटर स्टोर्स इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि सारे कैपेसिटर्स एक ही पाथ में लाइन में अरेंज होते हैं, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर्स शेयर वन कॉमन पाथ, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सेम चार्ज स्टोर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 13.5, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर पर सेम पोटेंशियल है, सेम वोल्टेज है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको आप जस्टिफाई करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस ईच कैपेसिटर हैज सेम पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बिकॉज ईच कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। हर कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली जो हैं बैटरी के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की डायग्राम देखी होगी कि जो मिसाल के तौर पर लेफ्ट प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड, और राइट प्लेट जो है हर कैपेसिटर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो सेम पोटेंशियल एट टाइम सब प्लेट्स पर अपेयर हो रहा है, ठीक है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ऑल द कैपेसिटर हैव सेम वोल्टेज अक्रॉस देयर प्लेट्स,
सो वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री इक्वल टू वी अगर तीन कैपेसिटर के सर्किट है तो ठीक है। 13.6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग अ मेटल चेन बीनीथ इट, व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व। कहते हैं कि आपने शायद देखा होगा कि जो गैसोलीन ट्रक होते हैं जो फ्यूल ट्रांसफर कर रहे होते हैं उनके नीचे एक मेटल चेन लगी होगी, वो किसकी लगी होती है आप उसकी रीजन बताएं, वो की क्या फंक्शन सर्व करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, किसकी लगाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता है जब ट्रक मूव करता है ठीक है जिसमें के अंदर फ्यूल वगैरह डाला हुआ है जो टैंकर वगैरह हैं ठीक है, जब वो मूव कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। आपने देखा होगा कि अक्सर उनके पीछे लिखा होता है डेंजर, वो क्यों लिखा होता है, ताकि मिस्टेक से भी कोई उनके साथ कोई गाड़ी टच ना करे ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ चार्जेस होती है और चार्जेस को अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्लेमेबल है, फ्रिक्शन की वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस और थोड़ी सी स्पार्किंग भी वो आग का सबब बन सकती है वहाँ पर, तो इसलिए उनके पीछे डेंजर भी लिखा होता है अक्सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने पूछा है कि उनके नीचे चेन लगी होती है वो क्यों लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो एक्सेस ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उन टैंक्स के ऊपर, उन टैंकर्स के ऊपर, उस व्हीकल के ऊपर, उस चार्ज को सेफली ट्रांसफर किया जा सके ग्राउंड की तरफ। इससे क्या होगा, ऊपर चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी और फायर का चांस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही आंसर लिखा है, गैसोलीन ट्रक एंड मेटल चेन, इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन रोड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर इज ग्रेट चांस, देयर इज ग्रेट चांस ऑफ स्पार्किंग ड्यू टू एयर फ्रिक्शन व्हाइल पेट्रोल इज वेरी फ्लेमेबल, पेट्रोल या गैसोलीन लिख लें ठीक है, एक ही बात है। टू ट्रांसफर एक्सेस चार्ज फ्रॉम व्हीकल टू ग्राउंड मेटल चेन इज यूज्ड टू अवॉइड डेंजर ऑफ फायर। ठीक होगी, क्वेश्चन है 13.7, इफ हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार व्हाइल यू आर इन द कार व्हाई शुड यू नॉट कम आउट फ्रॉम द कार। कहते हैं कि आप अगर रोड पर जा रहे हैं अचानक से पावर लाइन जो है वो आपकी कार के ऊपर गिर गई तो आपको कार से बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है, हमने इसका आंसर देना है। देखिए, जो पावर लाइन कार के ऊपर गिरी है तो इसका मतलब है कि उसका फील्ड है ठीक है, लेकिन आप कार के अंदर बैठे हैं तो कार के इंटरनल बॉडी, आप फोम वगैरह पर हैं, सीट्स हैं वो इंसुलेटर हैं, गाड़ी के टायर्स इंसुलेटर हैं, तो एक्सटर्नल से इंटरनल वे में यानी कि फील्ड नहीं जा रहा, कार के अंदर कोई फील्ड नहीं है तो आप सेफ हैं। अगर आप बाहर आएंगे तो आप फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो वो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, तो इसलिए चार्जेस आपकी बॉडी से मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, चार्जेस को फ्लो का पाथ मिलेगा और उससे आपको शॉक लगेगा। ठीक है, तो यही आंसर हमें लिखना है, व्हेन हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल्स ऑन योर कार देन टायर्स एंड इंटरनल बॉडी ऑफ कार एक्ट एज इंसुलेटर, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द कार, सो कार एक्ट्स एज अ फैराडे केज, इसका एज अ फैराडे केज के तौर पर एक्ट करेगी, आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, आप सेफ रहेंगे। इफ यू कम आउट फ्रॉम द कार, अगर आप कार से बाहर आएंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यू मे फील ग्रेटर शॉक। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग व्हेन हेल्ड बाय हैंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड। कहते हैं कि दो तरह के रॉड्स हैं, एक ग्लास रॉड है और एक आपके पास है आयरन रॉड। कहते हैं ग्लास रॉड को आप रब करें तो वो चार्ज हो जाते हैं, उस पर चार्ज हमें नज़र आता है, महसूस होते हैं, लेकिन आयरन रॉड को रब करें उसे आप अपने हैंड्स में जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं तो उस पर कोई चार्ज महसूस नहीं होता, उसकी वजह बतानी है। तो वजह सिंपल सी है कि ग्लास रॉड इंसुलेटर है और आयरन रॉड कंडक्टर है, इंसुलेटर पर जो चार्ज डिवेलप होता है वो किसी और बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं करता ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर पर चार्ज डिवेलप हुआ है वो फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो इसलिए उसके ऊपर चार्ज बाकी बचेगा नहीं और हमें लगेगा कि उसके ऊपर चार्ज डिवेलप नहीं हुआ। जैसे कि ये देखें, एज ग्लास रॉड इज इंसुलेटर, चार्जेस डू नॉट मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू आवर हैंड्स ठीक है, सो चार्ज रिमेन्स ऑन ग्लास रॉड बाय रबिंग, तो हम कहेंगे कि वो उसके ऊपर चार्ज है, बट आयरन रॉड इज कंडक्टर, एज चार्ज इज डिवेलप्ड बाय रबिंग इट शिफ्ट्स चार्ज टू आवर हैंड्स इमीडिएटली, सो वो इसे आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज, इसलिए हम कहते हैं कि आयरन रॉड चार्ज